जय हिंद साथियों, इस लेक्चर में आपको मैं ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड की स्टडी हम सेरोलॉजी में करते हैं और सेरोलॉजी को हम हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम किसी कपड़े या किसी छन्नी के द्वारा छानने पर पूरा ना छने, कुछ ना कुछ उसका भाग बच जाए। जैसे हम दूध को छानते हैं तो उसकी मलाई ऊपर बच जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम रक्त को छानेंगे तो उसका कुछ भाग जो होगा उस कपड़े पे या छन्नी पे लगा रहेगा, उसे हम कोलाइड कहते हैं। और ब्लड एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक वो होता है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे शरीर को क्या कहता है? कनेक्ट करके रखता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमें कनेक्ट करता है। इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। आप पीएच स्केल तो जानते होंगे, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। जब कोई पदार्थ को हम पीएच स्केल पर रखते हैं तो अगर वो 0 से 7 के बीच में आ रहा है यानी कि अम्लीय है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है यानी कि क्षारीय है, अगर 7 आ रहा है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कैसा होगा बच्चों? ये क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा। अब बात करते हैं मेल के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, वहीं फीमेल के अंदर 5 लीटर ही पाया जाता है। अब बात करेंगे हम रक्त निर्माण की। निर्माण इसका कहां होता है? जब बच्चा भ्रूण में रहता है, जब बच्चा भ्रूण में रहता है यानी कि मां के गर्भ में रहता है तब उसे हम भ्रूण कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रियो और हिंदी में भ्रूण कहते हैं। वह 3 महीने का हो या फिर 9 महीने का हो, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता है तब तक मुझे भ्रूण कहते हैं, पैदा होने के बाद बच्चा कहते हैं, ठीक है। जब भ्रूण में होता है तब रक्त का निर्माण हमारे लीवर में होता है, और जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तब रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अगर आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो उसमें जो हड्डी फोड़ने के बाद उसके अंदर जो जालीनुमा संरचना होती है उसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टोर कहाँ होता है। इस पर जो भी पॉइंट लिखे उसे केयरफुली आप ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। एक भी मिनट आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, एक भी सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कह लीजिए कि ये सारे कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब स्टोर की बात करते हैं, तो स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, जिसे हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि ब्लड का कब्र कहाँ होता है, यानी कि ब्लड कहाँ समाप्त होता है, तो वो भी स्प्लीन ही है। स्प्लीन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या कहते हैं? इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं और दूसरा ग्रेवयार्ड भी कहते हैं स्प्लीन को। यानी कि अगर रक्त स्टोर कहाँ होता है तो भी आप स्प्लीन बताएंगे, रक्त का कब्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? स्प्लीन। अब बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जैसे मान लीजिए हमने काजू खाया या बादाम खाया या ऐसी चीज खाया जिससे क्या थोड़ा चिपचिपा ऑयली महसूस हो रहा है, कि ऑयल पाया जाता हो जिसमें फैट पाया जाता हो, वो खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में घुल जाता है तब वो क्या करता है कि हमारे जो नसें होती हैं जिससे सप्लाई ब्लड सप्लाई होता है हार्ट द्वारा, उस पर क्या होता है धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता है, जिससे आदमी को हार्ट अटैक भी कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना होता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जब भी हम ब्लड की बात करेंगे तब आपको यही मात्रा मिलेगा, डेसीलीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB कहते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो आयरन को हम यहाँ पे Fe लिख दे रहे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिएगा, इसमें क्या पाता है? आयरन पाया जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि जब मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब आयरन की भी मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन ही पाया जाता है, ठीक है। और वहीं फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर में पाया जाता है। तो ये कह लें कि जो मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन
ह्यूमन में मेल जो होता है उसके अंदर आयरन की मात्रा फीमेल के अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिससे कि जो मेल होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और फीमेल थोड़ा कमज़ोर होती है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की मात्रा कम पाई जाती है। एक एक फिस्ट, एक मुक्का अगर हम मेल को मारते हैं और वही मुक्के से हम फीमेल को मारते हैं तो फीमेल की अपेक्षा मेल को कम दर्द होगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और मेल की अपेक्षा फीमेल को ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि आयरन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन की। जब शरीर में, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि रक्त परिसंचरण होता है। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे जी ने इसको डिस्कवर किया था। अब विलियम हार्वे जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवित है तो उसके अंदर सदैव ब्लड का सर्कुलेशन जारी रहेगा। ब्लड एक रफ्तार से आता जाता है जिसको हम कहते हैं 120/80, जिसे हम बीपी भी कहते हैं, यानी 120 की स्पीड में ब्लड जाता है और 80 की स्पीड में लौटता है, उसी ही कहते हैं 120/80 कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड के कार्य के बारे में। ब्लड का कार्य क्या होता है, तो ताप पे नियंत्रण करना, यानी कि हमारे बॉडी के जो हीट है उसको नियंत्रण में रखता है। कौन रखता है, ब्लड रखता है। इसके बाद पोषक पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि जो ये मान लीजिए कि हमने जो भोजन किया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, उसमें से जो पोषक पदार्थ हैं वो निकल गया है। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। गैसों का परिवहन करना, यानी कि गैस को भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के एक एक कोने तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ठीक उसी प्रकार उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। हमारे डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको वो ब्लड द्वारा उसको किडनी में पहुंचाया जाता है। किडनी उसे डायलिसिस करके उसको अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने ब्लड के बारे में एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसके अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, इसके मेजर तीन वीडियो होंगे, तीन वीडियो में पूरा ब्लड समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।